जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम स्काउट यूनिफॉर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्काउट की संपूर्ण वर्दी किस प्रकार की होती है, स्काउट की वर्दी में जो बैज लगे होते हैं उसे किस प्रकार लगाया जाता है, साथ ही साथ स्काउट यूनिफॉर्म को किस प्रकार सही तरीके से पहना जाता है, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं कहा सकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने APRO भाग 3 के अनुसार गाइड यूनिफॉर्म वर्दी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। गाइड यूनिफॉर्म को किस प्रकार सही तरीके से पहना जाता है, गाइड यूनिफॉर्म में जो बैज लगे होते हैं उसे किस प्रकार सही तरीके से लगाया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जान रहे हैं स्काउट यूनिफॉर्म यानी स्काउट की वर्दी किस प्रकार की होती है, साथ ही साथ स्काउट वर्दी को किस प्रकार पहना जाता है उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। APRO भाग 2 के अनुसार एक स्काउट की जो संपूर्ण वर्दी होती है, पैर से लेकर के ऊपर सिर तक के कैप की जो पूरी जानकारी होती है उसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। हम सभी स्काउट्स गाइड रोवर रेंजर्स सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह वर्दी पहनने का अवसर मिला है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स APRO भाग 2 के अनुसार स्काउट की जो संपूर्ण वर्दी होती है उसे किस प्रकार पहना जाता है, उसमें जो बैज लगे होते हैं जैसे शोल्डर बैज हो गए, सदस्यता बैज हो गया, विश्व ब्रदरहुड बैज हो गया, भारत स्काउट गाइड पट्टी हो गया, उसे किस प्रकार यूनिफॉर्म में लगाया जाता है इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग स्काउट यूनिफॉर्म स्काउट वर्दी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। APRO भाग 2 के अनुसार एक स्काउट निम्न प्रकार के ड्रेस यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कमीज के बारे में यानी शर्ट के बारे में। स्टील ग्रे रंग की दो पैच पॉकेट वाली कमीज जिस पर दो शोल्डर स्ट्रेप लगे हों, आधी या लपेटी हुई आस्तीन के साथ। सर्दी के मौसम में आस्तीन नीचे की जा सकती है। उसके बाद हम जानते हैं नेकर या पैंट के बारे में। नेवी ब्लू रंग की नेकर या पैंट पहनी जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति स्काउट जांच शिविर या राष्ट्रपति पुरस्कार रैली में पैंट पहनना अनिवार्य है। पैंट ना तो अधिक ढीली होगी और ना ही अधिक कसी हुई, इसके पीछे एक जेब होंगे। अब चलते हैं और जानते हैं हम लोग स्काउट के वैरेट कैप के बारे में। गहरे नीले रंग की वैरेट कैप जिस पर राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया अधिकृत कैप बैज लगा होगा पहनी जाएगी। सिख अधिकृत कैप बैज के साथ नीले रंग की पगड़ी पहनेंगे। समारोहों के अवसर पर टोपी पहनना अनिवार्य है। अब जानते हैं हम लोग स्काउट यूनिफॉर्म में ही बेल्ट के बारे में। स्लेटी रंग की नाइलेक्स बेल्ट जिस पर राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया भारत स्काउट वो गाइड का अधिकृत बक्कल लगा होगा पहनी जाएगी। उसके बाद स्कार्फ हरा पीला और बैंगनी रंग को छोड़कर ग्रुप के रंग वाला त्रिभुजाकार स्कार्फ जो स्थानीय या जिला संघ द्वारा मान्य होगा, गर्दन के चारों ओर कॉलर बो शोल्डर स्ट्रेप के ऊपर ग्रुप बोगल के साथ पहना जाएगा। स्कार्फ की दोनों भुजाएं कम से कम 70 सेंटीमीटर तथा अधिक से अधिक 80 सेंटीमीटर लंबी होगी। उसके बाद जानते हैं हम लोग शोल्डर बैज के बारे में। सफ़ेद कपड़े का 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा शोल्डर बैज जिस पर लाल रंग से ग्रुप का क्रमांक वो नाम लिखा होगा, दोनों कंधे की सिलाई के ठीक नीचे की ओर हल्का घुमाव के साथ सिलाई करके लगाया जाएगा। अब जानते हैं हम लोग शोल्डर स्ट्रिप्स के बारे में। स्टील ग्रे रंग के वर्गाकार पैबंद पैच पर स्काउटिंग फॉर बॉयज में बताए गए टोली के नाम तथा रंग को प्रदर्शित करने वाली दो शोल्डर स्ट्रिप पट्टियां लगाई जाएगी। ये पट्टियां प्रत्येक
5 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के अंतर पर समांतर होगी। इस पैच को शोल्डर बैच के तुरंत नीचे बाएं आस्तीन के शीर्ष पर पहना जाएगा। यदि एम्बुलेंस मैन बैच है तो शोल्डर स्ट्रेप को एम्बुलेंस मैन बैच के नीचे की ओर लगाया जाएगा। अब जानते हैं हम लोग सदस्यता बैच मेंबरशिप बैच के बारे में। हरे रंग के कपड़े का बैच जिस पर पीले रंग में 3 पंखुड़ियाँ फ्लोर डिलिस वो उसके अंदर की जो पीले ही रंग का गाइड त्रिदल फूल ट्रेफल तथा बीच में पीले रंग से ही अशोक चक्र बना होगा। कमीज के जेब की खड़ी पट्टी पर जेब के ढक्कन पर लगे बटन तथा जेब के नीचे वाली सिलाई के बीचों बीच लगाया जाएगा। उसके बाद जानते हैं हम लोग मोजे या जुराब के बारे में। मोजे या जुराब काले रंग की होगी। जुराब घुटनों के नीचे मुड़ी हुई होगी। उन्हें हरे रंग के गार्टर टैब से जो कि 1.5 सेंटीमीटर बाहर दिखते होंगे से बांधा जाएगा। इसे केवल नेकर के साथ ही पहना जाएगा। जुराब केवल पैंट के साथ ही पहना जाएगा। अब जानते हैं हम लोग विश्व स्काउट बैच के बारे में। इसे सदस्यता बैच की ही तरह कमीज की दाई जेब के खड़ी पट्टी के मध्य में लगाया जाएगा, यानी जहां आपने सदस्यता बैच को लगाया है उसी तरह दाई जेब की खड़ी पट्टी के मध्य में लगाया जाएगा। अब जानते हैं हम लोग जूते के बारे में। चमड़े या कैनवस के काले रंग के फीतेदार जूते होंगे। उसके बाद जानते हैं हम लोग सीटी डोरी के बारे में। स्लेटी रंग की डोरी गर्दन के चारों ओर डालकर पहनी जाएगी। इसके सिरे पर बंधी सीटी को कमीज की बाई जेब में रखा जाएगा। अब जानते हैं हम लोग भारत स्काउट्स एवं गाइड्स पट्टी के बारे में। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा निर्धारित और उपलब्ध कराई गई यह पट्टी जिस पर दी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स लिखा होगा कमीज की दाई जेब के ठीक ऊपर लगाई जाएगी। यह पट्टी 11 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर की होगी। इसकी दाई तरफ 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर में तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज होगा तथा शेष भाग में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स लिखे होंगे। ये थे हमारे APRO भाग 2 के अनुसार एक स्काउट का यूनिफॉर्म। एक स्काउट निम्न प्रकार के यूनिफॉर्म पहनेंगे। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।